क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम अपन कल बात की थी लोकेट नंबर और नंबर लाइन, आज अपन डिस्कस करते हैं रैशनलाइज के बारे में। अब रैशनलाइज के लिए पहले अपन सबसे पहले जितने भी रूट की नंबर के साथ में उनका एडिशन करना, उनका डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड में भी अगर अपन करना पड़े डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिवाइड जब एडिशन करते हैं कोई भी नंबर का, जैसे एडिशन करने के लिए नंबर लेते हैं 2√3 प्लस 4√2 प्लस 3√3 प्लस 7√2। अब इनका जब ऐड करना है, नंबर अपने पास डिफरेंट है, 2√3 3√3, अब इन दोनों नंबरों के अंदर अपन को एक चीज सेम मिल रही है कि दोनों में, जैसे रूट थ्री की बात करें नॉर्मली अपन बात करते हैं, कोई नंबर लिखा हुआ है 2x में x वेरिएबल है और 2 इसका क्या है, कोफिशियंट है। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये डिजिट जो कांस्टेंट डिजिट है वो डिफरेंट अपने पास नहीं, कि इनका जो भी रूट का नंबर है वो दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों को कमांड के साथ में लिख लीजिए 2√3 प्लस 3√3 ब्रैकेट बंद प्लस सिमिलरली यहाँ पे रूट टू, यहाँ पे भी रूट टू है, तो 4√2 प्लस 7√2 कमांड कर दिया। अब जब इनको कमांड कर दिया, अब एक चीज क्लियरली देखिए, अगर ये नंबर 2√3 की जगह ऐसे लिखा हुआ 2x प्लस 3x, नंबर सेम है, x दोनों वेरिएबल है, x की जगह अपन अगर एग्जाम्पल ले कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले ले कि यानी 2 रुपये प्लस 3 रुपये, आपसे पूछा जाए कि आपका 2 रुपये और 3 रुपये और दे दे तो आपका टोटल कितने रुपए हो गए, तो 5 रुपये। तो यहाँ पे रुपए को अपन क्या मानेंगे, रुपया, यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या है, रूट थ्री है, यहाँ पे रुपया एक्स है, यहाँ पे एक्स क्या है, रूट थ्री है, दोनों जगह। तो ये दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए, इनसे रिजल्ट निकाला जाए, ये भी कितना आ गया 5x और ये भी कितना आ गया 5 रुपये। अब रुपए की जगह अपन एक्स लिखे, एक्स की जगह क्या लिखे, रूट थ्री, अगर सीधा ही कहेंगे रुपया अपने पास में रूट थ्री है तो रुपए को कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे 5 रुपया, सही है, और 5 रुपए से क्या लिख सकते हैं 5√3, क्लियर। सिमिलरली रूट टू को यहां पे रुपया माने तो ये कितना हो गया, अगर अपने भाषा में बात करें तो जो सिंपली बात कर रहे हैं 4 रुपया प्लस 7 रुपया, रिजल्ट क्या आ गया 11 रुपये हो गए भी तुम्हारे पास में। अगर ये टोटली 11 रुपीज हो गया तो रुपीज क्या लिखना है अपने को रूट टू, तो अपने पास क्या आंसर आ गया प्लस 11√2। इसका जो आंसर अपन सोल्व करें तो कितना आ गया टोटली कि 5√3 प्लस 11√2 इज योर आंसर। ये सिंपली कोई भी नंबर को कन्वर्ट करके उसको छोटा करके अपने पास जैसे निकाल रहे हैं उसके अनुसार ये लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और छोटा सा। √50 माइनस 2√8 प्लस साथ में लिख ले एक नंबर और 5√12। अब देखिए √50 को अगर ऐसे देखें तीनों डिजिट डिफरेंट है, रूट के नंबर्स तीनों डिफरेंट है। रूट 50 को अगर अपन सिंपली करें, 50 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है 2 25 5 5 5 1, मीन्स 50 इक्वल टू कितना हो गया 2 × 5 × 5, इट मीन्स √50 इक्वल टू कितना हो गया रूट, यहां ये पेयर बन रहा है, पेयर बनने पर √50 को क्या लिख सकते हैं अपन साथ में कि 5 × 5√2, कोई डाउट, ये कितना हो गया 6 × 5√2 माइनस। सिमिलरली √8 के लिए करेंगे तो √8 को करते हैं, तो √8 है सबसे पहले क्या करेंगे 8 का निकालेंगे, 2 2 4 जा 2 2 जा 1, तो 8 के फैक्टर कितने हो गए 2 × 2 × 2 एंड √8 के कितने हो जाएंगे, यहां भी एक पेयर है
पेर रूट से बाहर आ जाएगा डिजिट सिंगल, तो रूट एट इज इक्वल टू कितना आ गया, टू इंटू रूट टू, जो लास्ट डिजिट बच जाती है सिंगल में उसको रूट में आ गया साथ में, तो ये कितना आ गया टू रूट टू प्लस, अब फाइव रूट ट्वेल्व है, अब देखो ट्वेल्व का निकालेंगे टू सिक्स टू थ्री थ्री वन, तो ट्वेल्व का फैक्टर कितना आ गया टू इंटू टू इंटू थ्री रूट ट्वेल्व, ये भी रूट में, अब यहां रूट में आ रहा है एक पेयर क्या बन रहा है टू का पेयर बन रहा है, कितना आ गया टू रूट थ्री, ये कितना हो गया टू रूट टू, तो यह आया था एक इंटू साथ में टू भी था, यहां कितना हो गया फाइव इंटू टू रूट थ्री, अब इसको सोल्व करते हैं कितना गया थर्टी रूट टू माइनस फोर रूट टू प्लस टेन रूट थ्री, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सबसे पहले अपने पास में जो अपने पहले किसी ने बात की थी यहाँ रूट टू यहाँ रूट टू, ये दोनों क्या है सेम है, डिजिट दोनों की डिफरेंट, साथ में मल्टीपल जो भी कोफिशिएंट है वो अलग, अगर इसको एक्स माना जाए वेरिएबल के एस्पेक्ट में, या फिर अपन कहें रुपीज इसको माना जाए, तो अपने पास में क्या आएगा थर्टी रूट टू माइनस फोर रूट टू प्लस टेन रूट थ्री, जो बिल्कुल डिफरेंट है रूट थ्री, या रूट टू है या भी रूट टू है या रूट थ्री है, बिल्कुल डिफरेंट है, अब देखो तीस रुपये माइनस चार रुपये तो कितना आ गया अपने पास ट्वेंटी सिक्स रुपीज, और रुपीज क्या लिखेंगे रूट टू प्लस टेन रूट थ्री, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे कर सकते हैं। अब कोई भी दो डिजिट डिफरेंट डिफरेंट हो उनका मल्टीप्लाई करना हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फोर रूट सेवन फोर प्लस रूट सेवन एंड थ्री प्लस रूट टू, जो अपन पिछली क्लासेज में मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उसी तरीके से अपन को मल्टीप्लाई करना है, कहीं कोई चेंजेज नहीं करना है। इसकी फर्स्ट डिजिट फोर लिखा, अगली डिजिट का जो भी ब्रैकेट है पूरा एडिटिव उतार दिया थ्री प्लस रूट टू, फिर प्लस का साइन प्लस का साइन, रूट सेवन एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया थ्री प्लस रूट टू, क्लियर यहां तक। अब देखो फोर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले किससे थ्री से, तो फोर इंटू थ्री तो फोर थ्री जब ट्वेल्व या एक बार लिख लीजिए फोर इंटू थ्री, फिर साइन किसका है प्लस का साइन यूज कीजिए, फोर इंटू रूट टू तो फोर इंटू रूट टू, सबको अपने अपने ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, जहां भी इंटू का साइन प्लस का साइन परिवार को अलग अलग कर देता है एक तरीके से, फिर प्लस का साइन यहां कोई साइन डिफरेंट है नहीं प्लस के साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है, तो प्लस रूट सेवन इंटू थ्री प्लस रूट सेवन इंटू रूट टू, अब देखिए फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, फोर इंटू रूट टू फोर इंटू रूट टू इज इक्वल टू फोर रूट टू, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी फोर एक्स अगर लिखा हुआ है तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है एंड फोर इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहाँ रूट टू इसके मल्टीप्लाई में, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों फोर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर इंटू एक्स भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें मल्टीपल में होता है मल्टीप्लाई ही होता है, सेम बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं अपन, या फिर डॉट का यूज करके अपन मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सीधा रूट के साथ नंबर लिखा हुआ है या फोर एक्स लिखा हुआ है तो वो भी दोनों ही मल्टीप्लाई में होते हैं। अब अगली बात करते हैं फोर रूट टू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस रूट सेवन इंटू थ्री, तो जैसे फोर इंटू रूट टू आता था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री रूट सेवन। अब अगली बात करते हैं रूट रूट, एक चीज ध्यान रखिए कि भाई रूट टू इंटू रूट टू बात की जाए या रूट एम इंटू रूट एन, तो ये बात होती है कि रूट एम इंटू एन दोनों रूट के अंदर क्या आ जाएगा एम इंटू एन, इसको अगर अपन ऐसे नहीं समझे ऐसे समझ लो आप कि a की पावर m इंटू बी की पावर n, सॉरी m, a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है a इंटू बी की पावर n, जब पावर सेम हो तो दोनों डिजिट जो भी उनके अपने अपने पास में
डिजिट है उन दोनों का मल्टीपल करके पावर क्या करते हैं उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज अपने पास में दोनों डिफरेंट डिजिट हो या सेम डिजिट हो कोई भी हो किसी भी तरीके से वहां पे अपने पास में ये फॉर्मेट आ जाएगी। तो रूट सेवन इंटू रूट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेवन इंटू टू जिसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा रूट फोर्टीन। तो ये कितना आ जाएगा प्लस रूट फोर्टीन। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट में, कोई भी डिजिट के अंदर यहाँ 12 है या 4 रूट 2 है या 3 रूट 7 है या 14 है, तीनों के रूट की डिजिट क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, कोई यहाँ पे सेम नहीं है। तो इसका आंसर अगर लिखते हैं तो 12 प्लस 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 7 प्लस रूट 14 ये लिख सकते हैं। एक चीज और हो सकती है लेकिन उसको भी करने कोई फायदा नहीं कि यहाँ पर रूट में आएगा रूट 2 इंटू रूट 7 तो रूट 7 कॉमन मिले तो भी यही आंसर रहेगा। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये अपन ने नॉर्मली यानी मल्टीप्लाई किया है। अब अगर कोई डिनोमिनेटर के साथ में आ जाता है कि डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कैसे किया जाता है, तो अब आती है काम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने की। भी कोई डिजिट अपने पास इस तरीके से लिखी हुई हो लाइक दैट, क्वेश्चन अपने पास में 1/3 प्लस रूट टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में है। ऐसे क्वेश्चन को रैशनलाइज करते टाइम आपको सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो चीज है आपके डिनोमिनेटर का जो भी साइन है। यहाँ साइन किसका है प्लस का है, यहाँ साइन प्लस का है, दो डिजिट अपने पास रिप्रेजेंट हो रही है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करते टाइम जो नीचे साइन है उस साइन के अपोजिट साइन से, जैसे प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, इस डिजिट से बिल्कुल एज इट इज अप एंड डाउन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कभी भी आपको ऐसा किस्म दिखे तो आपको यही काम करना है, जिससे क्या है कि आपके रैशनलाइज होने के बाद में एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह आ जाएगा कि अपने पास में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया कि 1/3 माइनस रूट टू और यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस रूट टू एंड इंटू 3 माइनस रूट टू। अब चाहो तो इसको दो ब्रैकेट अपने पास यूज करो, जस्ट इससे पहले वाले जो अपन ने एग्जांपल किया उसकी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज ऐसे केस में जब भी डिनोमिनेटर को आप करोगे तो आपकी फॉर्मेट बनती है जो हमेशा यही बनेगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है a 3 है, b क्या है b रूट 2 है, a क्या है 3 है b क्या है रूट 2 है। ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्वेश्चन क्या बन जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट में कोई चेंज होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये आ गया 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 जा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करते हुए कि कैसे हुआ तो एक बार ये देख लीजिए कि रूट टू इंटू रूट टू जितनी पावर है उतने टाइम इसको एक्सप्रेस करेंगे, कर दिया। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पहले थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल होता है उससे भी कर सकते हो 2 की पावर हाफ। देखिए यहाँ पे दोनों बेस क्या है सेम है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगी उसकी एड हो जाएगी, तो 2 की पावर हाफ प्लस हाफ तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, हाफ प्लस हाफ को ऐड करते हैं तो एलसीएम 2 आया 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1, पावर कितनी आ गई 1, तो आंसर कितना आ गया 2, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया अपने पास में, तो ये आ गया 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 7। डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली डिजिट नहीं बचेगी आपके पास में। अब इसको एक्सप्रेस इंडिविजुअली करना चाहो 3 अपॉन 7 माइनस रूट 2 अपॉन 7 इज योर आंसर। सॉरी, ये आंसर भी आपका करेक्ट है और ये आंसर भी आप लिखते हैं तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, दोनों बात सेम ही है। यहाँ पे अपन ने दोनों को अलग अलग करके इंडिविजुअली लिख दिया है डिनोमिनेटर के साथ में। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर अप डाउन दोनों में रूट का डिजिट आ जाता है तो उस टाइम क्या करेंगे लाइक दैट,
क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए कि 3√2 + 1, ये अपने पास में न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ जाए 2√5 − 1। अब ये अपना क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अपने पास टाइप से आ गया, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर वाली डिजिट 3√2 + 1 / 2√5 − 1, क्लियर। अब इसको अपन को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज इसके डिनोमिनेटर के साइन के साथ में, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस का वन, अपन क्या लिखना है सॉरी 2√5 साइन क्या है माइनस, यहां साइन क्या करना है प्लस 1 अपॉन 2√5 + 1। अब जब डिजिट अपने पास में आ गई है, अपन को ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज 3√2 + 1 ब्रैकेट बंद, 2√5 + 1 ब्रैकेट बंद, नीचे वाला अपने यहाँ पे आ रहा है 2√5 − 1 एंड 2√5 + 1। अब देखिए इससे पहले वाला जो एग्जांपल क्या था, इसमें अपन ने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिया था, एक तो एग्जांपल पहले तब दो डिजिटों को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ऊपर वाले में रोल वही प्ले करेगा, लाइक दैट 3√2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर पूरा 2√5 + 1 2√5 + 1, फिर बाद में प्लस का साइन है प्लस 1, यहां क्या आ जाएगा 2√5 + 1, क्लियर। और नीचे क्या हो गया आपके पास में, ये a माइनस बी और a प्लस बी, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पे 2√5, b क्या है 1, a क्या है 2√5, b क्या है 1, तो ये आ गया 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अब देखिए अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे सिर्फ सिंगल डिजिट थी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं देखो एक बता रहा हूँ 3√2 और 2√5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 × 2√5। अब सबसे पहले जो डिजिटों पे कोई भी यानी साइन नहीं है, मतलब रूट की डिजिट नहीं है, वहां पे 3 × 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 2 कितना आ गया 6। अब दोनों रूट वाली डिजिट अपने पास रह गई है, तो ये क्या हो जाएगा √2 × √5, तो 6√10 कितना आ गया 6√10, इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 6√10। अब देखिए 3√2 को प्लस का साइन, यहां भी प्लस का साइन, प्लस का ही आएगा 3√2 × 1 3√2। अब वापस प्लस 1 को 2√5 से इंटू करेंगे तो 2√5, कोई चेंजेज नहीं है। अगला प्लस 1 × 1 + 1, अब देखिए नीचे 2√5 का स्क्वायर, अब देखिए 2√5 का स्क्वायर जब करते हैं अपन, तो यहां पे अपन को पता है 2 × 2 × √5 × √5, यही डिजिट आएगी, 2 को एक्सप्रेस किया 2 टाइम्स, √5 को एक्सप्रेस किया 2 टाइम्स, 2 × 2 = 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √5 × √5, इससे पहले वाला एग्जांपल में √2 × √2 का एग्जांपल दिया था, रूट का मतलब हाफ पावर, हाफ पावर में दोनों की मल्टीप्लाई ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 1 पावर, तो × 5 आंसर कितना आ गया 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 − 1। अगली लाइन में करते हैं तो 6√10 + 3√2 + 2√5 + 1/19। अब यहाँ पे अपन वापस ऐड करने की बात करें तो ये आ गया 6√10, रूट में कितना है 10, √2 √5 + 1, √10 को एक्सप्रेस करते थे 2 × 5, दो ही फैक्टर होते हैं तो कोई यानी पेयर बनेगा ही नहीं, पेयर नहीं बनेगा तो कोई भी डिजिट बाहर आएगी नहीं, और बाहर नहीं आएगी तो निकालने कोई फायदा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर रख लीजिए और यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्लियर। अब ये चीजें अपन ने की है थोड़ी बहुत, इनमें आपको थोड़ा बहुत पता चला है कि भाई कि अपने पास ये हुई है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जिसमें आपको दिया जाए कि इफ If x equals to √2 + 1,
2 माइनस 1 या रूट 2 प्लस 1 जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो. देन फाइंड दी वैल्यू. वन अपॉन एक्स सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अपन को वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. यहां पे एक्स है, एक्स की वैल्यू अपन को कितनी, रूट टू माइनस वन. तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू माइनस वन. क्लियर. अब रूट टू माइनस वन को अपन सोल्व कर लेते हैं, मतलब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इस पर कोई चेंज नहीं करना अपन को. तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू माइनस वन इन टू. अब साइन आ गया डिनोमिनेटर में, कितना है रूट टू माइनस वन, साइन किसका, माइनस का. तो माइनस साइन का अपोजिट साइन से अप एंड डाउन दोनों तरफ इंटू कर लिया. अब अपने पास कितना आ गया, रूट टू प्लस वन तो ऊपर आ गया, जो वन से मल्टीप्लाई हो गई एज इट इज आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई. और नीचे क्या आ गया, वापिस वही ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कितना आ गया, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर. सोल्व करने पे कितना आ गया, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, टू आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा. अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू प्लस वन अपॉन वन. अब इसको सोल्व करते तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट टू प्लस वन अपॉन वन. वन डिनोमिनेटर में डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिवाइड करने के बाद भी. तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन इज योर आंसर. ये भी हो गया अपने पास क्लियरली. अब कोई क्वेश्चन कई बार घुमा के अपने पास आ सकता है कि सिंप्लीफाई करने में, कि हाँ ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी होती है. तो ऐसा क्वेश्चन एक अपन करते हैं सिंप्लीफाई का ही. क्वेश्चन आ जाए सपोज दैट कि सिंप्लीफाई अंडर रूट 3 प्लस टू रूट टू. ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, अपन को सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब ऑलरेडी इसकी वैल्यू देख के तो ये लगा कि ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो रखा है, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करें अपन, लेकिन सोल्व करना जरूरी है. अब जरूरी कैसे बनता है, अब इस क्वेश्चन को देख के अपन को थोड़ी फॉर्मेट अपने आप कहीं ना कहीं बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. 3 को अगर अपन फैक्टराइज करते 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 का रूट. क्लियर. अब यहां पे अपन बात करते हैं 2 प्लस 1, तो 2 क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर. 2 को अपन ये भी रूट 2 का स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है. तो 2 को अपन क्या लिखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2. ये फॉर्मेट अपन ने चेंज कर दिया. अब थोड़ा सा दिमाग और लगाएं कि रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन. तो ये रूट और इसकी वैल्यू किसकी आती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी. ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास में, अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब यहां पे अप्लाई करें इसको तो ए की वैल्यू कितनी है, रूट टू. बी की वैल्यू कितनी है, वन. टू फॉर्मूले का है ये रहा, ए की वैल्यू रूट टू बी की वैल्यू वन. तो सोल्व करने पर कितना आ सकता है अपने पास में, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए की वैल्यू कितनी है, रूट टू. तो रूट टू प्लस प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, वन, वन का होल स्क्वायर, और जो ऊपर रूट चल रहा है वह जी चलता जाएगा. अब यहां स्क्वायर है, इस स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा. कैसे, अगर मान लो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आए और इसके ऊपर रूट लगा है, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर. तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी, हाफ. और ये फॉर्मूला अपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल पावर्स के अंदर, a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर m इंटू n, पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा कि अगर ये हाफ हो तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की पावर 2 इंटू वन अपॉन टू. टू से 2 कट गया, कितना आ गया, x प्लस वाई. तो सिमिलरली यहाँ पे रूट से हट जाएगा, तो ये हट जाएगा अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, रूट टू प्लस वन
इज योर आंसर, ये सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका आंसर क्या बना, ये अपना आंसर बना है। क्लियर? और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको अपन सॉल्व करें, थोड़ा अप्लाई करें, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे करते हैं, कई बार क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं जिनके अपन को दे दिया जाए कि कोई वैल्यूज दे दी, जैसे रूट टू, इफ रूट टू इक्वल टू 1.414, रूट थ्री इक्वल टू 1.732, रूट फाइव, रूट टेन, रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है 2.236, ये अपन ने कल थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में। और रूट टेन की वैल्यू क्या होती है, रूट टेन की वैल्यू आती है अपने पास 3.162। ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन आएगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे ये वैल्यूज अपन को गिवन आएगी। अब इसको सोल्व करें अपन, तो यानी बिल्कुल सीधा सिंपल से इसमें दो तीन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन, 2/√3। सेकेंड क्वेश्चन इसमें अप्लाई कर लेते हैं जो अपन एज्यूम कर रहे हैं डिजिटों के साथ में, तो √5 + 1/√2। और थर्ड क्वेश्चन इसका अप्लाई कर लेते हैं अपन, जो सोल्व करने के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं √10 + √15 / √2। अब तीनों क्वेश्चनों को जब सोल्व करते हैं तो देखो एक सिंपल सी बात है कि जब फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 2/√3, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 2/√3। अब यहाँ पे आप अगर रूट थ्री की वैल्यू डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो, जब कर सकते हो, आपको पता है आपको गिवन वैल्यू 1.732 दे रखी है सर, और डायरेक्टली अप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे केस में बिल्कुल सीधा सिंपल सा है कि सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के बाद कितना आ जाएगा, √3/√3। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3/3। यहां तक कोई डाउट, सिंपल हो गया। अब क्या करना है कि 2 × √3 की वैल्यू कितनी, 1.732/3, क्योंकि 3 का डिवाइड आप दे सकते हो इजीली। 1.732 को डिवाइड करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर, 2 = 4, 2 = 3 = 6, 7 = 14, 1 carry, 2 = 1 = 2, और 1 = 3, 3.464। अब 3 से डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड कर लीजिएगा आप, 3 = 3, 1, 3 × 5 = 15, 1, 3 × 4 = 12, 1 और 3 × 3 = 9। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास में 4 decimal तक वैल्यू आ जाती है। ये 4 decimal या 3 decimal तक ये आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, उससे ज़्यादा आपसे वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। ये अपना यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिल्कुल सिंपली। अगर रूट थ्री की जगह आप वहाँ पे अप्लाई करके, वैल्यू अप्लाई करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करते तो 2 में आप डिवाइड करते 1.732 का, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपसे डिवाइड होता भी नहीं। और 1732 को भी आप यानी जब 1.732 को भी जब यानी आप यानी इसको कन्वर्ट करते कि डेसिमल हटाने के बाद में, तो 1732 डिजिट बनती 1732, और उससे भी डिवाइड करते उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जैसे भी आप निकालते सिंपली लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में, तो भी आपके आंसर आने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे क्वेश्चंस में यही एक पैटर्न है जो सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है, इसी को अप्लाई किया जाता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास में √5 + 1/√2। यहां भी क्या है, रूट टू नीचे है, रैशनलाइज कर दीजिए, √2/√2, तो ये ऊपर आ जाएगा √5 + 1 × √2/2। दोनों टू, √2 × √2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे कितना आ गया, √5 × √2 + √2/2। अभी भी आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको बताया था कि रूट के दोनों डिजिट होते हैं वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो ये कितना आ जाएगा, √10 + √2/2। अब √10 की वैल्यू अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में से, कहां पे 3.464
162 प्लस रूट टू वैल्यू कितनी है 1.414 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं 2 और 4 6, 6 और 1 7, 1 और 4 5.314 डिवाइड 2। अब इजीली डिवाइड कर लो 2 2 जा 4 1 17, 2 8 ला 16 1, 2 8 ला 16, ये आपका आंसर आ गया करेक्ट।